हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित। भाई, आप लोगों ने बचपन में पटाखे तो खूब चलाए होंगे, और फ्रेंड्स जो दीवार में मारने वाला जो पटाखा होता है वो भी आपने काफी ज्यादा चलाया होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसमें क्या होता है जिसके जिससे कि उसको दीवार में मारते हैं तो फट जाता है? तो फ्रेंड्स, आज हम उसी वाले पटाखे को बनाने वाले हैं। उसके लिए कोई आपको हाई फाई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको एक माचिस की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे पास एक माचिस है, आप कोई भी माचिस ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको एक पॉलिथीन की जरूरत पड़ेगी, और आपको थोड़ी सी जो बजरी होती है जो लैंटर में यूज होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों से हमारा जो दीवार में मारने वाला जो पटाखा होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर 100% जेनुइन कंटेंट मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो का लाइक है मैं यहाँ पर 10 लाइक सकता हूँ, तो आप बहुत छोटा सा लाइक है, फटाफट से कंप्लीट कर देना। मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार तू एक्सपेरिमेंट की वीडियोस क्यों डालने लग गया? तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट की वीडियोस डालने लग गया हूँ क्योंकि मैं घर पर तो एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार उसकी भी वीडियोस बना करके आपको डाल दी जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो आप घर पे यूज मत करना, ठीक है? घर पे एक्सपेरिमेंट उसको बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि सेफ्टी भी एक सेफ्टी नाम की भी चीज होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेंड्स, कुछ लोग बोल रहे हैं यार कि भाई तू दूसरे के कंटेंट को कॉपी कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, और अदरवाइज अगर किसी टॉपिक को मैं कॉपी करता हूँ, किसी टॉपिक को, हर टॉपिक को नहीं, किसी टॉपिक को बाय चांस अगर मैं कॉपी करता हूँ तो उसका जो फ्रेंड्स बताने का मेथड है और समझाने का वो बिल्कुल अलग है। और फ्रेंड्स, उसमें कुछ आपको नया ही सीखने के लिए मिलेगा जो कि आपने उस वीडियो में नहीं सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है? और फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने माचिस ले ली है, वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में बनाई है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको इस कवर को फेंकना नहीं है अभी। तो अब हमको यहाँ से एक प्लायर ले लेना है, और ये इसकी जो फ्रेंड्स ये जो तिल्लियाँ होती है इन पे से इस मसाले को यहाँ से छुटा लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 से 7 मिनट लग सकती हैं, तो मुझे 5 मिनट लगी थी। तो आपको, अगर आप बना रहे हो पहली बार, तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 7-8 मिनट आपको लग सकती हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बाकी के जो है वो बना करके रखे हुए, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है? और यहाँ से फ्रेंड्स इसको मैं जल्दी जल्दी से इसको छुटा लेता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे वीडियो थोड़ी रोकनी पड़ेगी, और मैं इसको पहले यहाँ पर छुटा करके फिर आगे का दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने जितनी भी तिल्लियाँ थी सारी तिल्लियों पर से मसाला छुटा लिया है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे पहले, ठीक है? तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे चम्मच, और चम्मच की हेल्प से फ्रेंड्स इसको एकदम पीस लेंगे, ठीक है? एकदम बिल्कुल चूरन की तरह बना लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बारीक कर लेंगे इसको, ठीक है? यानी कि चून की तरह इसको कर लेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको पीसना है, बहुत ही बारीक कर लेना है, तो अच्छी तरह से इसको पीसना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको पीस लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा पिस चुका है, अभी थोड़ा सा और पीस लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी पिस चुका है, अब इसको फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे फिर दोबारा से ब्लेड की हेल्प से ही। आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ब्लेड था तो मैंने ब्लेड से कर लिया। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारा मसाला था इसको हम इसी वाली चम्मच में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आपको भर लेना है। तो फ्रेंड्स, एक माचिस से आप एक बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स वो इतनी कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने आधा आधा मसाला लगाया था वो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले फोड़ के दिखाया था फ्रेंड्स, उसने कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं की। और लेकिन जो दूसरा वाला था फ्रेंड्स, उसने आवाज़ की, लेकिन आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन दिखना तो चाहिए, ठीक है? लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो को देखना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो बजरी थी फ्रेंड्स इसको ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इतनी हमने इसमें से बजरी ले लिया, माचिस में जो मसाला है उसको हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बुरक लेंगे, ठीक है? यानी कि डाल लेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हमारा इसका जो मसाला होता है जहाँ से हम तिल्ली को जलाते हैं, तो वहाँ से अब इस मसाले को हमको ब्लेड की हेल्प से छुटा लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से आपको इसको छुटा लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो हमारा बजरी आपस में टकराएंगे और दोनों मसाले मसाले जो हैं आपस में मिले होंगे, तो आसानी से जो हमारा पटाखा जो है वो जल सकता है, आवाज़ कर सकता है आसानी से, ठीक है? तो इसलिए आपको इसको छुटा लेना होगा।
साइड में जो मसाला होता है इसको अच्छी तरह से फ्रेंड्स आपको इसको छुटाना है, ज़्यादा नहीं छुटाना है कि पता पड़े कि जो इसका खोल है वो भी इसी में इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड से फ्रेंड्स अब हमने इसको छुटा लिया है। ठीक है, दोनों साइड माचिस के दोनों साइड से छुटा लिया है एक ही पैकेट में। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से बांध देंगे। बांधेंगे क्या फ्रेंड्स, मैं कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी धागा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कॉपर के वायर से इसको अच्छी तरह से बांध दिया है और अच्छी तरह से टाइट इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से टाइट हो चुका है। अब मैं बाकी के वायर को इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम इस पिन्नी को भी ऊपर से कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो पन्नी थी ये कट हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, तो अब ये फ्रेंड्स कट हो चुकी है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसकी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर 3 मैंने बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट नंबर का दिखाता हूँ, जो मैंने जिसमें आधी माचिस का तिल्ली ली थी। तो फ्रेंड्स इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो, और फ्रेंड्स दूसरा वाला था उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी किस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स दूसरे वाले में से आप देख सकते हो कि जब ये गिरता है, अब गिरेगा फ्रेंड्स ये, अब तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें चिंगारी भी निकली थी और जो इसकी गर्मी थी फ्रेंड्स वो ऊपर की तरफ आई थी। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें से काफ़ी अच्छी आवाज़ निकली। फ्रेंड्स बस ये थी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स आपको एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल पर जल्दी एक गिव अवे आने वाला है साइंस प्रोजेक्ट किट का। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ लॉकडाउन के तुरंत बाद, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से ही मिल जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स उस साइंस प्रोजेक्ट किट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।